तो देखो अब हम कर रहे थे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव, जिस डायरेक्शन में हमने वेव इंसिडेंट कराई उसी डायरेक्शन में देखते हैं, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम पहले कितना होगा, एच म्यू बाय सी प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया जीरो, ठीक है। देन उसके बाद किसके इक्वल होगा, पैरेलल में देख रहे हैं एच म्यू और इसका हो गया जीरो मोमेंटम। अब इस डायरेक्शन में देखो एच म्यू डैश कॉस ऑफ फाई प्लस एम वी कॉस ऑफ थीटा, है ना, ये वाला कंपोनेंट भी और ये वाला कंपोनेंट भी इन द डायरेक्शन। तो देखो ये कितना हो गया एच म्यू डैश बाय सी कॉस ऑफ फाई प्लस एम वी कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया। नाउ इन इस इक्वेशन को नाम दे दो, एनर्जी वाली इक्वेशन को ए नाम दे दिया, ठीक है। और जो इंसिडेंट वेव पैरेलल वाला था इसको नाम दे दिया बी, इस इक्वेशन को इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो आप परपेंडिकुलर में देखो इंसिडेंट क्या हुई, क्या परपेंडिकुलर में कुछ इंसिडेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब इंसिडेंट और ये स्कैटर्ड का जो है परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, पैरेलल कंपोनेंट तो था लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो इंसिडेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है तो बिफोर कितना है, जीरो है। एंड आफ्टर चेक कर लेते हैं, आफ्टर कितना हुआ, इधर जो है एम वी साइन ऑफ फाई है और इधर जो है कोस। अब देखो ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाली कैसी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये कितना है एच म्यू डैश बाय सी साइन ऑफ फाई माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा, एच म्यू डैश सी बाय में साइन ऑफ फाई माइनस में एम वी साइन ऑफ थीटा, समझ आया। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो गई हमारी बी और सी दो इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब इक्वेशन, अब देखो ये जो हमारी ये इक्वेशन आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी को और सी को, इन दोनों में इक्वेट कर लो, ठीक है। इनको नई इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू डैश कोस ऑफ फाई प्लस एम वी सी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी डैश से, नई इक्वेशन बन गई ना। और इस सी को भी लिख लेते हैं, सी क्या आ जाएगी, जीरो इज इक्वल टू एच म्यू डैश साइन ऑफ फाई माइनस एम वी सी साइन ऑफ थीटा, ये होगी मेरी सी डैश। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन दिखा रहा है, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दूँ तो एम वी सी दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये वाले टर्म खत्म हो जाएगी, और इधर भी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये वाले टर्म भी खत्म हो जाएगी। तो मैं वही करूँगी, एक बार पहले एम वी सी कोस थीटा निकाल लेती हूँ, एम वी सी साइन थीटा निकाल लेती हूँ। एम वी सी कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस ऑफ फाई, और एम वी सी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया। अब देखो ये माइनस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच म्यू डैश साइन ऑफ फाई, ये दो हमारी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करेंगे। तो स्क्वायर और ऐड करने के लिए देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में यही आएगी, साइन स्क्वायर थीटा एंड को स्क्वायर थीटा, तो को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया, वन हो गया, इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस ऑफ फाई
ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस एच म्यू डैश साइन ऑफ फाई इसका स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे होगा, एच स्क्वायर को बाहर, एच को बाहर निकाल लो, एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू डैश कोस ऑफ फाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको वैसे ही ओपन करेंगे। तो यहाँ तो ये इस तरफ तो रह गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाहर आ गया म्यू माइनस म्यू डैश कोस ऑफ फाई का होल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर एंड इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ये आ गया। ठीक है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू का स्क्वायर प्लस में म्यू डैश का स्क्वायर, ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर फाई माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू म्यू म्यू डैश कोस ऑफ फाई प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर फाई, ये टर्म बन गई। अब देखो एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर को स्क्वायर फाई, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को कंबाइन लिख दिया, तो क्या बन गया एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर तो एक आ गया, ठीक है, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, को स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये क्या बच गया प्लस में एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस में टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस ऑफ फाइव, ये बन गया। अब ये देखो ये टर्म क्या हो गई, वन हो गई, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस ऑफ फाइव, फिर से वही एच स्क्वायर बाहर ले लो बेशक, ठीक है। अब जो है हम इसको लिख लेते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाहर लिख लिया म्यू डैश का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस टू म्यू म्यू डैश कोस ऑफ फाई। अब इसको जो है यहीं लीव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अभी हम चेंजमेंट करने वाले हैं इसकी इक्वेशन। अब इक्वेशन ए आपको याद है, इक्वेशन ए क्या थी हमारी, इक्वेशन ए थी एच म्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर एच म्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, यहाँ से मैं एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूँ तो इसको क्या लेके जाऊँगी, उस तरफ लेके जाऊँगी, तो एम सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन ए को एक बार मैं फिर लिख लेती हूँ। इक्वेशन ए क्या थी मेरी, थी एच म्यू इंसिडेंट वाला था प्लस मोमेंटम कितना था इसका, सॉरी एनर्जी कितनी थी, एच म्यू थी फिर एम नोट सी स्क्वायर थी फिर एनर्जी कितनी आ गई थी एच म्यू डैश आ गई थी प्लस एम सी स्क्वायर ये आ गई थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये थी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, एम सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया एच म्यू माइनस एच म्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर ये आ गया, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिया म्यू माइनस म्यू डैश का प्लस एम नोड सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को क्या करूँगी स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायर क्यों किया ये आपको अभी पता चल जाएगा, एम स्क्वायर सी पावर फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नोड सी स्क्वायर, ठीक है, तो एम स्क्वायर सी पावर फोर ये किसके इक्वल आ गया एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर ये ओपन करना है प्लस म्यू डैश माइनस टू म्यू म्यू डैश प्लस एम नोड स्क्वायर सी पावर फोर। देखो इसका क्या किया था स्क्वायर किया था, तो इसका स्क्वायर कैसे होगा पूरे का होल स्क्वायर, इससे जो है इसका अलग स्क्वायर प्लस में टू ए बी जो आएगा वो भी, तो इसका स्क्वायर तो हो गया ये वाला, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर सी पावर फोर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो था ही पूरे का होल स्क्वायर,
प्लस में टू ए बी, टू ए की वैल्यू कितनी है एच थी, म्यू माइनस म्यू डैश थी, और बी की वैल्यू कितनी थी एम नोड सी स्क्वायर थी, ठीक है। यह आ जाएगा तो एम स्क्वायर सी पावर फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस म्यू डैश माइनस टू म्यू म्यू डैश प्लस एम नोड स्क्वायर सी पावर फोर प्लस टू एच एम नोड सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश, ठीक है। ये जो है अब हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को, ये जो है इस इक्वेशन का नाम मैं क्या रख दूँ, डी नाम रख दूँ, जो हमने पहले निकाली थी, जो हमने लीव कर दी थी, कहाँ पे ये थी, ये इक्वेशन थी डी, और ये नई इक्वेशन मान लीजिए ई आ गई, ठीक है। अब मैं इक्वेशन इसको इसमें से क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन डी फ्रॉम ई, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन डी फ्रॉम ई, ई से जो है डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई नो ये थोड़ा मैथमेटिकल सा है, थोड़ा लॉन्ग सा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखो जो ये इक्वेशन आई थी, आप इसको साथ साथ करेंगे तो आपका जो है क्लियर होता चलेगा। ये इक्वेशन माइनस करनी है इसमें से, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा वी स्क्वायर, इसी तरह इसमें से माइनस कर देंगे। मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, आप लोग करके देखना, ठीक है। मैं अभी लिख रही हूँ कि इसको माइनस करने से क्या आ रहा है, सिर्फ माइनस है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कह रही कि आप करके देखना। तो ये बच गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या बचेगा टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस ऑफ फाई माइनस वन प्लस टू एच म्यू माइनस म्यू डैश एम नोड सी स्क्वायर प्लस एम नोड स्क्वायर सी पावर फोर, ये आ गया। अब हमें पता है एम किसके इक्वल होता है, एम इज इक्वल टू एम नोड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये रिलेटिविटी थी। तो इसको जो है पुट कर देते हैं, तो एम नोड स्क्वायर सी पावर फोर जो हम हमारी यहाँ पे है इसको निकाल लेते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रीवियस इक्वेशन से इसको निकाल लिया, तो प्रीवियस इक्वेशन से जब हमने की थी एम नोड सी पावर फोर, ये किसकी इक्वल आ गई टू एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश कोस ऑफ फाई माइनस वन प्लस टू एच म्यू माइनस म्यू डैश एम नोड सी स्क्वायर प्लस एम नोड स्क्वायर एम की जगह पे एम नोड वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पुट कर दिया, टू एच म्यू डैश कॉस माइनस वन टू एच म्यू माइनस म्यू डैश एम सी स्क्वायर एम नोड सी स्क्वायर प्लस एम नोड स्क्वायर सी पावर फोर, ये क्या किया है सिर्फ इसमें पुट किया है, इसमें पुट करके देखूँ एम स्क्वायर था तो एम नोड का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो एम नोड स्क्वायर तो आ ही जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय में क्या बच जाएगा सी स्क्वायर बच जाएगा, तो ये कितना बन गया एम नोड का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर ऊपर, और नीचे बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इसके मल्टीप्लाई में यहाँ क्या था, यहाँ था सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये इसके मल्टीप्लाई में था तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बच गया एम नोड स्क्वायर सी स्क्वायर, और वी सी स्क्वायर इसमें एक ऑलरेडी था तो एम नोड स्क्वायर सी स्क्वायर तो ये यहाँ से आया और वी स्क्वायर, समझ रहे हो, इसकी इसमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करी है, इसका स्क्वायर किया है, ठीक है, ये पुट किया वापस ये इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। तो अब जो मेरा मेरे पास आया है टू एच म्यू माइनस म्यू डैश
एम नोड सी स्क्वायर, एम नोड सी पावर फोर यहाँ है, एम नोड सी पावर फोर यहाँ है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब इक्वेशन क्या आई, अब इक्वेशन आ गई 2h, ये वाला किसके इक्वल होगा, 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नोड सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस फाई माइनस में वन, यही तो होगा भाई। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों बच गई, जीरो इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, आपस में माइनस में हो गए, जो टर्म हमारी एक जैसी है, म्यू म्यू डैश और म्यू माइनस, उन दोनों को एक साथ कर लेंगे, बाकी टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। अब देखो इसको जो है बाय में ले जाओ, इसके बाय में म्यू माइनस म्यू डैश तो यहीं रखो, म्यू माइनस म्यू डैश जो मल्टीप्लाई में है वो क्या जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, और जो इसके मल्टीप्लाई में है वो क्या आएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो म्यू माइनस म्यू डैश ये वाला टर्म इधर आ गया, ये सिर्फ यहीं रखा, और ये जो मल्टीप्लाई वाले हैं ये इसके डिवाइड में चले गए। माइनस टू एच स्क्वायर था, सॉरी एच कट नहीं, एच स्क्वायर, बाय में तो हो गया 2h, और यहाँ पे क्या था, एम नोड सी स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में क्या था, कोस फाई माइनस वन, ठीक है। एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो म्यू माइनस म्यू डैश बाय में म्यू म्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच बाय में एम नोड सी स्क्वायर कोस फाई माइनस वन। अब ये देखो म्यू बाय में म्यू म्यू डैश, अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, कितना आ गया, ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, वन बाय में म्यू डैश माइनस में, अब इसके बाय में करेंगे तो वन बाय में म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच बाय में एम नोड सी स्क्वायर कोस फाई माइनस में वन, ये बन गया। अब ये किसकी टर्म में है, ये फॉर्मूला है हमारा फ्रीक्वेंसी की टर्म में, ठीक है, कि जो हमारी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, अब इसको मैं उधर ले जाऊंगी तो ये प्लस में चला जाएगा, क्वांटिटी कैसी आ गई, माइनस की आ गई, ठीक है, कम मिली। और अगर मेरे को ये वाली निकालनी है तो ये वाली यहीं रहेगी, ये जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, सारे का साइन माइनस में है, तो कैंसिल होके पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है इंसिडेंट वाली। तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी की टर्म में। अगर मुझे ये वेवलेंथ की टर्म में निकालना हो तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, सी बाय लैम्डा होता है, पुट कर दीजिए इसको, और ये आ जाएगा हमारा वेवलेंथ की टर्म में, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश बाय में सी माइनस में लैम्डा बाय में सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच बाय में एम नोड सी स्क्वायर कोस फाई माइनस वन, ये आ गया। सी जो है इस तरफ हम ले जाओ, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच बाय में एम नोड सी स्क्वायर तो था ही, ये सी क्या आ गया, इधर आ गया, कोस फाई माइनस वन, ये हो गया। एक सी से क्या हो गया, एक सी कैंसिल हो गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एच बाय में एम नोड सी कोस फाई माइनस वन, ठीक है। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हम करते थे ई टू माइनस ई वन, ये क्या लेते थे, डेल्टा ई, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ये क्या हो गया, डिफरेंस इन वेवलेंथ, तो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एच बाय में एम नोड सी कोस ऑफ फाई माइनस में वन। तो ये आ गई हमारी वेवलेंथ, वेवलेंथ का डिफरेंस, या फिर वेवलेंथ जो है इंसिडेंट, जो स्कैटर्ड की वेवलेंथ है, देखो लैम्डा डैश इसको उधर लेके जाओ, प्लस में जाएगा, ठीक है, कुछ क्वांटिटी प्लस में होगी, तो लैम्डा डैश अगर माइनस का करें तो ये क्या जाएगा उधर माइनस में, तो ये लैम्डा की और लैम्डा डैश की जो है टर्म में हमारा आ गया। अब देखो, अब जो ये हमने स्कैटर्ड कराया था, ये जो पूरा रिजल्ट था ये इसका रिजल्ट निकालने के लिए था, बस दो दो स्टेप्स जो हैं हमें याद रखने हैं। हमने बी डैश और सी डैश निकाल लिया, दोनों का स्क्वायर और ऐड किया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस सिर्फ एक टर्म याद रखनी है कि एनर्जी की इक्वेशन लेके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम जो इक्वेशन निकालेंगे मोमेंटम और एनर्जी को सिर्फ माइनस करना है, बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ये टर्म है कि एम को जो है एम नोड बाय सी स्क्वायर पुट करना है। सिर्फ तीन स्टेप्स में ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट है वो सोल्व हो जाएगा। तो तीनों स्टेप्स लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम कर सकते हो। सेकंड स्टेप था कि जो मेरा ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माइनस स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन थी, जो मोमेंटम है उसको रिजोल्व करना है। पैरेलल मोमेंटम जो है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मोमेंटम जो है वो परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है, दोनों को क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एम वी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे फिर, सब्ट्रैक्ट कर, ये जो इसकी आउटपुट आएगी दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड पुट एम इज इक्वल टू एम नोट बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सिर्फ ये स्टेप्स आपको याद रखनी है, देन आपका जो कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आपको याद रहेगा। एक बार कर लोगे तो फिर आप जो है इन स्टेप्स को देख लो, याद कर लोगे कि हाँ फिर ये करना है, तो डेरिवेशन आसान हो जाएगा। भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में बिना प्रैक्टिस के डेरिवेशन, लेकिन अगर आप एक बार भी प्रैक्टिस करोगे और इसको याद रखोगे देन आपको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा रिजल्ट आया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच माइनस एच बाय में एम नोड सी कोस फाई माइनस वन, ठीक है, इस रिजल्ट को यूज करेंगे कैसे, ये रिजल्ट तो आ गया। अब देखो जब हम पैरेलल डायरेक्शन में जाएं, उसी डायरेक्शन में जाएं, तो हमारा फाई एंगल कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जीरो हो गया, माइनस का वन इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में आ गई, ये आ गई एच बाय में एम नोड सी वैल्यू आ गई उसी डायरेक्शन में। अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊं तो एंगल कितना होगा, पाई बाय टू होगा, दैट मींस सॉरी कोस फाई पैरेलल डायरेक्शन में, हाँ पैरेलल डायरेक्शन में जीरो, तो कोस जीरो कितना होता है, वन, वन माइनस वन जीरो, कॉस जीरो वन, हाँ एक सेकेंड अभी यहाँ लिख लेती हूँ, जब मेरा फाई कितना हो, पाई बाय टू हो, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फर्स्ट केस। सेकेंड केस जब मेरा फाई एंगल हो जीरो डिग्री, देन कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। और जब मेरा थर्ड पॉइंट फाई की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, देन कोस फाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो इस पे क्या देगा, मैक्सिमा, इस पे सिर्फ सिंपल रिजल्ट और इस पे ज़ीरो। तो जब मैंने उसको उसी डायरेक्शन में, तो लैम्डा डैश कितना था, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम नोड सी कोस फाई, माइनस की टर्म थी कोस फाई माइनस वन, ठीक है, ये टर्म थी। जब मैंने उसको उसी डायरेक्शन में, मींस ये यहाँ पे आया और उसी डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में उसके जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो डिग्री आएगा तो ज़ीरो, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। और इस जब डायरेक्शन में 90 डिग्री की मैं लिया, 90 डिग्री की में क्या आ गया, यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, माइनस वन हो गया, तो ये क्या आ गया, एच बाय में एम नोड सी, ये वैल्यू आ गई। लेकिन जब मैंने एंगल 180 डिग्री लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। माइनस वन, माइनस वन कितना हो जाएगा, देखो 180 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस वन और यहाँ ऑलरेडी माइनस वन है, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस एच बाय में एम नोड सी से, तो ये कितना हो जाएगा, टू एच बाय में एम नोड सी, ठीक है, ट्वाइस वैल्यू आ गई, और इसमें क्या थी, सिंगल वैल्यू थी, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम लिखा, दैट इज़ ट्वाइस, और सिंपल मीन्स सिंगल जो है हमारा एच बाय में
एम नोड सी मिला यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपको देखना है। अब इसका जो है लैम्डा डैश का और एंगल का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो वो किस तरह का ग्राफ हमें ऑब्जर्व होगा, कुछ इस तरह का हमें जो है ग्राफ मिलेगा इसका, इस तरह का, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये क्या हो गया एंगल ज़ीरो पे, पाई बाय टू पे एंड पाई पे, पाई पे क्या पहुंच गया, मैक्सिमा पहुंच गया। इस तरफ क्या लेके चल रहे हैं, इस तरफ लेके चल रहे हैं डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा सी वेवलेंथ, ठीक है। और इस तरफ क्या लेके चल रहे हैं हम, एंगल फाई लेके चल रहे हैं, तो मैक्सिमा हमें पाई पे गेट होगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ ड्रा करें इन दोनों के बीच में तो इस तरह का ग्राफ आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, रिजल्ट याद रखना ये वाला, ठीक है, ये वाला रिजल्ट डेल्टा लैम्डा इस पे डायरेक्ट, और अगर हमें मुझे फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखना हो तो ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। और कैसे ये स्कैटर्ड हुई ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है, तीन स्टेप्स भी याद रखना। ओके, थैंक यू।